सबसे पहले दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड के चेयरमैन कल्याण जी जाना को मैं पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, साथ में उनके पूरे टीम को, ज्यूरी मेंबर को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे आज बेस्ट सोशल वर्कर ऑफ 2020 का अवार्ड देके ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात, ये अवार्ड मैं अपने कार्यकर्ता, मैं अपने माता पिता, मैं अपने आदर्श जिनको मानता हूँ अखिलेश पांडे जी और तमाम मेरे युवा साथी जिनके साथ में मैं साथ चल के सोशल वर्क का जो भी कार्य होता है उसको मैं पूरा करता हूँ। जैसे हमारे साथ कलीम भाई हैं, अभिराम शर्मा हैं, नंदन सिंह हैं, माया सिंह हैं, अनुष्का चौहान है, गुरु यादव है, राजन मिश्रा हैं, इन तमाम पिंटू गुप्ता हैं, इन तमाम लोगों के साथ मैं और भी नाम है, नाम अगर लेना चालू करूं तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। सबसे पहले मैं अपने मार्गदर्शक गोपाल सेठी सांसद जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उनके दिए हुए दिशा पे मैं चलना शुरू किया। और वो ऐसे सांसद हैं जो हर वक्त अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं और इसीलिए उनको कार्य सम्राट बोला जाता है। आज उन्हीं के आदर्श का पालन करते हुए हर संभव सेवा मैं करता रहा हूं और करता रहूंगा। आप लोग और कल्याण जी, दादा साहब फाल्के के चेयरमैन और ज्यूरी ने आज मेरे मान सम्मान को बढ़ाया है, इसके लिए मैं तहे दिल से उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जो सवाल किया है, मैं उतना बड़ा नेता तो नहीं हूँ, ये कार्य जो है हमारे बड़े नेता लोग का करने का है, हाँ, लेकिन मैं उस कानून का स्वागत करता हूँ जो उत्तर प्रदेश के माननीय वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने लिया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने बधाई देना चाहता हूँ कि जो इन्होंने काम किया वो बहुत ही तारीफ़ काबिल है और उनकी क्षमता के बाहर का काम था, जो बड़े लोगों को करना चाहिए था वो इन्होंने काम किया। हम जैसे छोटे वर्कर को साथ में लेके चले, हम जैसे छोटे छोटे जो गली मोहल्ले में जो कार्यकर्ता उनको साथ में लेके चले, उनके उसमें इन्होंने काम किया, उनको साथ में लेके काम किया और गरीबों को जो इन्होंने कोरोना काल में जो हेल्प होता है, जो डोनेशन किया, जो दवाई राशन और बहुत सी इस तरीके के काम किए वो बहुत ही तारीफ के लायक हैं और मैं उनको इसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस बारे में मैं विशाल भगत सर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और जिस सम्मान से इनको सम्मानित किया गया इसके हकदार भी हैं, क्योंकि जनता में इनका बहुत ही सहयोग और योगदान रह गया है। हम लोग अपने टीम की तरफ से और यहाँ के कार्यकर्ताओं की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इनका नाम और आगे हो और आगे बढ़ करके काम करें, जनता का सम्मान हो और सहायता मिले गरीबों को, इससे अच्छा क्या कर सकता हूँ। और इनको बहुत बहुत बधाई हो इस सम्मान के लिए जो कि इनके अधिकारी थे। मैं बोल रहा हूँ और ये कल्याण जी जना की तरफ से जो अवार्ड हमारे नेताजी को दिया गया है इसको, इससे हमें बहुत ही तहे दिल से खुशी हुई है। जो हमारे आज नेताजी को सम्मानित किया गया है, हम उनके बहुत ही आभारी हैं जो हमारे नेताजी को सम्मानित किया गया है। इससे हमारे नेताजी जो मैदान में उतरे हैं, जो हम लोगों के बीच में हैं, हमारी छोटी छोटी बातें सुनते हैं, हमारे छोटे छोटे काम होते हैं, हर चीज़ के लिए हम अपने नेताजी को भी बधाई देते हैं और उनको भी बधाई देते हैं। सबसे पहले मीडिया को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हमारे जो बेसिकली विशाल साहब तो
मैं जो ये अवार्ड जो दे रहा हूँ उनको, मैं ये तो पहले भी मैंने उनको दिया है 2019 में, वो एक अलग जो काम किया था उसके लिए दिया गया था, लेकिन इस साल जो दिया है कोरोना काल में जिस तरीके से इन्होंने गरीबों के लिए मदद किया है, कोरोना काल में जिस तरीके से घर के बाहर रहकर लोगों को गांव भेजना, बिहार भेजना, यूपी भेजना, गुजरात भेजना, बंगाल भेजना, इन सब जगह पे लोगों को जब बोला भाई मुझे गांव जाना है भाई मैं भेज रहा हूँ। सोनू सूद एक स्टार है, इसलिए वो स्टार को मीडिया वाले ने सबको देखा है, लेकिन हम लोग भी बहुत काम किए हैं, गुरु जी ने बहुत काम किया है, हम लोग इतना बड़ा स्टार नहीं इसलिए हम लोग सामने नहीं आए, लेकिन हर इंसान ने काम किया है इस कोरोना काल में, जिसने भी काम किया उनका मैं सैल्यूट करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उनका मैं नमन करता हूँ। जिस तरह के इन्होंने काम किया है इस कोरोना काल में, उसके साथ साथ में जो एक ऐसे इंसान जिनको कोरोना हो गया था वहाँ से कोरोना से लड़कर, और जिस तरीके से ये आपके सामने आज बैठे हैं, मैं उनको मैं सैल्यूट करता हूँ इस इंसान को, जो उसके बाद भी यहाँ पर भंडारा हुआ था, मुझे बुलाया था जो कल्याण जी मैं मस्त हो गया एकदम, 2000 लोगों का भंडारा हुआ और उसके बाद भी चालू हुआ कंटिन्यू। मैंने उनको फ़ोन किया था 6 दिन पहले, दादा 20 लोगों को अनाज देना है, उन्होंने बोला किसको देना है मुझे लिस्ट दिखा ली, तो उनको लिस्ट दिया, उन्होंने 20 लोगों को अनाज दिया, तो वो देखते हुए मैंने इनको इस सम्मान किया, ये अवार्ड दिया गया दादा साहब फाल्के आइकन ऑफ फिल्म 2020। और ये इंसान को ये तो अवार्ड वो ठीक है, लेकिन साथ साथ मेरा बड़ा भाई है, मेरे गुरु है, आज इंडस्ट्री में वो तमाम जो कलाकार, पहले की बात बोल रहा हूँ मैं, तमाम वो कलाकार, तमाम वो मॉडल, उनकी घर का भाड़ा बनना, उनको अनाज देना घर में, वो तब से करके आ रहा, ये तो कोरोना काल अभी आया है, 5 साल पहले 10 साल पहले ये काम कर रहे हैं, और कोरोना का तो अभी आया है 8 महीना पहले। तो इसको देखते हुए इनको आज ये दादा साहेब फाल्के आइकन ऑफ फिल्म अवार्ड सम्मानित किया गया। शो के दिन नहीं आ पाए कुछ कारण से, इसलिए आज आप सभी को बुला के इनको सम्मान किया गया। तो कल्याण जी आपकी जो शुरुआत थी, मतलब कहा जाए जमीनी स्तर से जो आपने शुरुआत की और आज आपकी शुरुआत कहीं ना कहीं काफी आगे तक पहुंच चुकी है, आपने बड़े बड़े कलाकारों से लेकर एक छोटे से एक छोटे छोटे गांव तक आप गए जहां से आपने लोगों को सम्मानित किया, एक सक्सेसफुल कहा जाता है अवार्ड रहा, कितनी खुशी थी, मन में डर था पहले की जो आपने सोचा है इतना बड़ा बीड़ा उठाया और कोरोना भी फैला हुआ है, मैं प्रिया को इसीलिए बुलाता हूँ क्योंकि प्रिया का जो क्वेश्चन होता है ना बहुत प्यारा होता है और बहुत ही प्यारा सवाल करती है, वो मेरी बहन है वो, और बहुत अच्छा बोलती है वो, मैं थैंक यू प्रिया जी। बेसिकली प्रिया आपने बहुत सही बोला, आपने इस कोरोना काल में मैंने काफ़ी मंत्री को, काफ़ी नेता को, काफ़ी लोगों को मैंने बोला था जो मुझे सिर्फ 10 आदमी को अनाज देना है, उस वक्त कोई मेरे सामने नहीं। हाँ, कल फ़ोन करना, मिल जाएगा, काफ़ी लोगों को मैंने बोला था, लेकिन मैं नमन करता हूँ गौरव शाह को कांदीवली के, मैं नमन करता हूँ मेरे विशाल भगत साहब को, मैं नमन करता हूँ मालवनी के मेरी बहन, और तमाम लोगों ने मैंने बोला जो भाई उन्होंने सबको अनाज दिया। उसके बाद मैं शुरू किया, मेरी वाइफ के पास कुछ पैसा था, मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने बोला बैंक में रख क्या करेगा मैं, आज मेरी परिवार जिस फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ मेरा परिवार है वो, आज मेरे घर में अनाज है, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे परिवार खाना नहीं खा रहा, वो भूखा है, तो मेरे पास जो भी मेरे पास था वो अनाज को उठाया, अनाज लिया, उसको उठाया, कुछ मीडिया ने खुद देखा, शैलेश ने खुद देखा है, मुंबई रफ्तार के मालिक शैलेश ने खुद देखा है, खबर 24 के मालिक पुष्कर जी खुद देखा है, वो गवाह है, वो नेहरू और मैं दोनों मिलकर निकल पड़े, वो तमाम ग्राउंड लेवल तक मैं जब गया अनाज तो दे दिया मैंने, लेकिन गैस खत्म था, गैस नहीं था, दूध नहीं है घर में उनके, वो चावल को गर्म करके जो हम गांव में मार बोलते उस मार में मार को निकल के वो नमक डाल के बोलता बेटा ये दूध है, ऐसे ऐसे ग्राउंड लेवल पे जब देखा मैंने, तब मैंने फेसबुक लाइव मेरा होता था शाम को 6 बजे का सच्चाई का सामना, मैंने बहुत बोला इंडस्ट्री के लिए, बोले कोई तो बाहर निकालो, ठीक है सोनू सूद ने दिया ठीक है, लेकिन ग्राउंड लेवल तक किसने नहीं आया, जैसा प्रिया ने बोला
जो जिस तरीके से मैंने DPIAF COVID-19 योद्धा अवार्ड मैंने किया, वो तमाम जो योद्धा लोग पूरे हिंदुस्तान से मैंने चुना है, पूरे हिंदुस्तान से चुनकर मैं जब एक जगह पे मैंने खड़ा किया तो लोगों को लगा सही में इन लोग योद्धा है, मेरी टीम ने चुना और उनको सम्मान किया गया और मेरा शो हिट हुआ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोल रहे, पब्लिक बोल रहे। उसी तरह दादा साहेब फाल्के आइकन अब फिल्म 2019 में मेरे ऊपर बहुत सारे तूफान आया, उस तूफान को मैं ख़त्म करके मैंने शो को किया रंग शारदा में, मेरा सेकेंड शो था। शो के दिन 15 फोन पुलिस चौकी में, सुबह से लेकर शाम तक फोन किया जा रहा है, मेरे पूछ रहा है जो कहला तुम तो भाई होटल के अंदर कर रहे हो, उसको क्या तकलीफ है, वो कहाँ से आवाज़ घुस रहा है उसके कान में, अभी भी फोन किया जा रहा है। उसके बावजूद मेरे टीम मेंबर, मेरे पेनिनसुला होटल, मेरे राहुल जी जो वहाँ के मैनेजर है, वहाँ के ट्रस्टी, वहाँ के सेठ और तमाम लोगों ने मुझे जो सपोर्ट किया, मेरे साथ में खड़ा हुआ, भैरू जैन, पंडित शेट्टी, वो तमाम लोगों ने खड़ा हुआ। और उसके बाद जो मैं थाम लिया ना, शो तो मैं करेगा भैया, जो 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 जिसको जो करना है कर लो, शो तो मैं करेगा, मैं पागल आदमी हूँ। तो जिस तरीके से आप लोगों ने साथ दिया, मीडिया ने साथ दिया, मैं धन्यवाद करता हूँ, मीडिया को नमन करता हूँ, आप लोगों ने बहुत साथ दिया मुझे। और शो को एक लोग कह रहा है जो आईफा के लेवल पे आपने शो किया, आपका शो एक आईफा के लेवल पे आपने शो करके दिखा दिया, वो भी कोरोना काल में, कोई स्पॉन्सर नहीं था, जो भी स्पॉन्सर था उसको चुंगली कर दिया, उंगली कर दिया उसको, मत दो कल्याण जी को स्पॉन्सर। कल्याण जी किसे खा रहा है क्या, इसे खाया है क्या कल्याण जी ने, कल्याण जी नहीं देगा पता है, मत दो, दम है मेरे अंदर, मेरे पिता माता का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है, करेगा। वो तमाम स्पॉन्सर को बोल रहा हूँ जिन्होंने मुझे 6 दिन पहले बायकट किया है, अगर तुम साथ देते तो माँ कसम और अच्छा करते, लेकिन मुझे मालूम था तुमको फोन किया गया, तुम लोग बायकट किया मेरे को, कोई बात नहीं, लेकिन तुम लोग देखते रह गया, तो साला लड़का को बायकट कर तभी भी कैसे किया सी। तो मैं तमाम लोगों को बोलना चाहता हूँ, पीछे पड़ के तुम क्या करोगे बॉस, जिसको करना है ना वो करके जाए, अगर तुम साथ दे देते तो क्या तुम्हारा क्या जाता, तुम्हारा क्या जाता। तो मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, जो मुझे छोड़ दिया उसको भी नमन करता हूँ, जो मेरे साथ में है उसको भी नमन करता हूँ, एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने छोड़ दिया इसलिए मेरे अंदर और जोश पैदा हुआ और जुनून आया और अच्छा से मैंने किया। यस, आपने बहुत सही बोला प्रिया जी, आपको छोड़ देगा लोग बीच रास्ते पे, लेकिन बीच रास्ते तक घर तक आने का आपके दो पैर से आप आओगे, कोई आपको लेने के लिए नहीं आएगा, छोड़ दिया ना उसने, उसके लिए एक ही मैसेज है, बोलने उसके उसके लिए एक ही ये मैसेज है, एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये कल्याण जी जाना गरीबों का एक्टर ये काम करते रहेगा, आप पीछे से उंगली करते रहना, ये कल्याण जी शो को दुबई लेके जा रहा है, अभी तुम लोग दुबई उंगली करने के लिए आना। थे अकेले चले थे अकेले कल्याण जी, राह में लोग मिलते चले गए, कारवा खड़ा करते चले गए, कारवा खड़ा करते चले गए। मैं बोलना चाहता हूँ मीडिया कर्मचारी को, सही में आपको आई लव यू, इसलिए आई लव यू क्योंकि 5 बजे से लेके 11 बजे तक आप लोग थे, इसीलिए आपको आई लव यू। और मैं जितने भी मीडिया कर्मचारी वहाँ पर थे, शैलेश भाई ने उसको अच्छा से उसको निभाया है, जो मुझसे वादा किया था वो वादा पूरा किया उसने, एंड थैंक यू माय पीआरओ हिमांशु भाई, थैंक यू शैलेश भाई, और प्रिया जी ने अच्छा से सवाल पूछा मेरे को, मेरी बहन, एंड थैंक यू
केजे टॉकीज के ब्रांड एम्बेसडर शाइन शेख जिसको बेस्ट मॉडल का अवार्ड दिया गया सुपर मॉडल का। और शाइन शेख को मुझे पता है, शो के 3 दिन पहले जब उसको मैं मिला था, जब उसको मैं लेटर देने गया था तो आपको लेटर मिला, बोलता मुझे लेटर की कोई जरूरत नहीं कल्याण जी, मैं आपके साथ हूँ। और उसको मैंने बताया जो भाई देख ऐसा सब छोड़ के चला गया, वो तो कोई बात नहीं है, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह तुम जिस मखदूम शाह बाबा को तुम मानते हो, जिसकी चौकट में तुम जाते हो, झुकते हो, भीख मांगते हो उनके सामने, वो मखदूम शाह बाबा तुम्हारे साथ खड़ा रहे। और उस तरीके से हौसला दिया शाइन शेख ने मुझे। और देरू जैन तो मेरे साथ में ही था, आज भी साथ में ही है, मुझे पता है इसका नाम है भैरू, लेकिन मैं वीरू जैन बोलता हूँ उसको। सुबह शाम कंटिन्यू हम लोग ने भागा, रात को 3 बजे हम लोग घर जाते थे। इसकी माँ परेशान था, मेरी बीवी परेशान था, तो मैं इनकी माँ को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि ये जैन है, 12 बजे का पानी भी नहीं पी सकता। मैं आपकी कहानी बोल दूँ, अच्छा कहानी है, बहुत प्यारा। जो वीरू जी दिन भर काम करते थे, खाना नहीं खाता था, रात की 12 बजे के बाद जैन समाज में पानी भी नहीं पी सकता, जब तक सूर्य अस्त मतलब सूर्य नहीं निकलेगा। मैं आज मुझे याद है 4 से 5 में ये भूखा था बंदा। मैं रात को 3 बजे आता था, मेरी वाइफ खाना गर्म करके मुझे खिलाता था, क्योंकि आज 9 मंथ का है, वो गर्भवत है वो, तभी भी। तो हम लोग की फैमिली हम लोग का साथ है, मीडिया मेरे साथ है, विशाल भगत साहब मेरे साथ है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र के गोवा के गवर्नर साहब, मैं नमन करता हूँ, उन्होंने वीडियो दिया, उन्होंने इस ट्रॉफी का उद्घाटन किया, हमें आशीर्वाद दिया। जिस तरीके से हमारे एक्स राज्यपाल माननीय श्री राम नायक साहब ने पत्र दिया हमें, हमें पत्र दिया नितिन गडकरी साहब ने, मैं माननीय श्री राज ठाकरे साहब को मैं नमन करता हूँ जिन्होंने हमारे इस पोस्टर को ट्रॉफी को उद्घाटन किया। तो ये तमाम लोगों का आशीर्वाद है मेरे साथ, अभिजीत राणे साहब का आशीर्वाद, बीएन तिवारी साहब के आशीर्वाद, जो हमारे फिल्म फेडरेशन के अध्यक्ष है मेरे गुरुजी बीएन तिवारी साहब, इन तमाम जो लोग हैं इनके आशीर्वाद से कोई रोक नहीं पाएगा मेरे को जी। सबसे पहले सभी मीडिया को मेरा नमन, जो हर पल हर समय आप हमारे साथ रहते हो, और जिस तरह जो 24 अभी जो प्रोग्राम हुआ है वो इन ऐसे व्यक्ति को चुना गया है जो सही में काबिल थे उनके लिए, और उनको ही हमने अवार्ड चुना था। एक शख्स की कमी थी विशाल भगत जी की, 24 तारीख को था, कमी महसूस कर रहे थे उनकी, और सुना नाम काफ़ी बार भाई के नाम से, पर मुलाकात कल ही हुई मेरी उनसे। उनको मैं नमन करता हूँ, ऐसे महान व्यक्ति को जो ऐसे कार्य करते रहे, भगवान इन और शक्ति प्रदान दे, और ऐसे ही आगे कार्य करते रहे, जो हर इंडस्ट्री से लेकर हर लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो इन्हें जो अवार्ड, तो सच में अवार्ड तो खाली नाम है, बाकी इनसे बड़ी और उनको उपलब्धि हासिल हो यही चाहता हूँ। और जो प्रोग्राम पर हमने जो मेहनत की है, काफ़ी लोग ने बोला, बहुत कुछ बोला ऐसा नहीं करना, वो नहीं करना, काफ़ी लोग नेगेटिव फैलाए, पर नहीं, ऊपर वाला साथ था, दुआएं लोगों के साथ में थी, जो इसके लिए कोई साथ नहीं छोड़ेगा उनका। बस ऐसे ही प्रोग्राम करेंगे आगे और करते रहेंगे, और बस आप सभी को मैं शुक्रगुजार गुजारू, थैंक यू कहता हूँ। लेकिन इस अवार्ड शो में कहीं तो आपके साथ नजर नहीं आए, तो कितना आपने उन्हें मिस किया है, क्या कितना आपको उनकी कमी महसूस हुई है? हाँ प्रिया जी, वो पीछे बैक स्टेज में थे, जहाँ पर ट्रॉफी का, क्योंकि वो ट्रॉफी संभालता है, क्योंकि ट्रॉफी का पूरा संभालना पूरा काम, गर्भवत थे वो, तभी भी वो काम कर रहे थे पीछे खड़ा होके। उसको 24 तारीख को तकलीफ भी हो गया था, वो नीचे गिर गए थे, उसको बाद में उसको लेके आना पड़ा डॉक्टर के पास। तो इस बार वो सामने नहीं आ पाए क्योंकि थोड़ा सा तकलीफ था, लेकिन वो पीछे से सपोर्ट थे, बैक स्टेज पे थे, एक दो बार वो आए स्टेज पर। उसका जो बेस्ट हीरो एक्टर जिसको वो जानते, मतलब उसको अच्छे लगते हैं, वो शरद मल्होत्रा, जब वो स्टेज पे आए तो आए थे वो,
और अरुण बिजलानी सर, अर्जुन बिजलानी सर, तब वो स्टेज पे आए थे। तो मैं इतना कहता हूँ, मेरे साथ मेरी वाइफ, मेरी पिता माता गुरु, मेरे दोस्त, मेरी मीडिया पर्सन, और जो मुझे मेरी बुराई करता है मेरी पीठ पीछे, वो भी मेरे साथ है। 140 करोड़ जनता, 140 करोड़ जनता है पूरे हिंदुस्तान में, और जो मेरी पीठ पीछे बुराई करता सुबह उठ के, उसकी परिवार में कम से कम 100 से 200 लोग हैं। वो अपनी परिवार के 200 लोग छोड़कर सुबह सुबह कल्याण जाना का नाम लेता है, जब माला जपता है। इससे बड़ा कमाई कल्याण जी को जो मिला है, क्या और क्या चाहिए। मतलब उसकी परिवार के 200 लोगों का नाम नहीं लिया, उसकी वाइफ है, उसकी भाई है, उसकी बहन है, उसकी घरवाले है, सबको छोड़कर कल्याण जी कैसा करना, कल्याण जी कैसे कर लिया, कल्याण जी के पास पैसा कहाँ से आया, कल्याण जी कैसे कर लेता है। तो कल्याण जी के नाम उसकी सुबह सुबह जवान में आ रहा है, उससे उपलब्धि जब मुझे मिला, और क्या मिल सकता है मुझे। तो जो मेरी पीठ पीछे बुराई करता है उनके भी मैं नमन करता हूँ। और करिए, और नाम लीजिए, और माला जपिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और साथ में खाना भी खाएंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, हर हर महादेव, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, जय भीम, जय श्री राम, जय महाकाल, जय मेरी मुंबई माता, आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। विशाल भगत साहब, आई लव यू मीडिया।